सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आज भी पूरी एक्टिंग करते हैं और प्रचार करते हैं कि इन्होंने इतना विकास किया है। यहाँ के तमाम छोटे उद्योगपति और व्यापारियों से अगर पूछा जाए, आप बताइए नोटबंदी से आपका फायदा हुआ? जीएसटी से क्या हुआ? आपकी कमर टूटी? पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। आप हिंदुस्तान के किसानों, हिंदुस्तान के किसानों, हिंदुस्तान के नौजवानों, हिंदुस्तान के दुकानदारों, छोटे व्यापारियों को ये नहीं कहते कि आपकी समस्याओं का हल कैसे होगा। दुकानदारों के लिए इस तरह की उन्होंने टैक्स जीएसटी का खूब ताम झाम से इन्होंने ऐलान किया और देखिए इससे क्या असर पड़ा। तमाम दुकानदार परेशान हैं, कहते हैं हम दुकान बंद करना चाहते हैं क्योंकि हमें इतनी उलझन में डाल दिया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम टैक्स देते रहे, टैक्स का हम कैलकुलेशन करते रहे या हम अपनी बिक्री करें और हम अपनी थोड़ी थोड़ी सी अपनी कमाई करें। यही हालत पूरे देश की है। जब ये लोग प्रचार करते हैं तो ऐसे लगता है कि जाने कितना विकास किया है इन्होंने 5 सालों में, कि 60-70 सालों से कुछ हुआ ही नहीं है इस देश में। मैं जहाज से गोरखपुर जा रही थी, लखनऊ से जहाज में बैठी थी, जहाज रुका, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ रही है और कांग्रेस की प्रशंसा करने लगे। तो एक बार यात्री मेरे पीछे से खड़े हुए, उन्होंने कहा क्यों 70 सालों में इन्होंने किया क्या? तो मैं उठी, मैंने कहा भाई साहब अगर 70 सालों में कुछ नहीं किया होता तो आज आप इस हवाई जहाज में नहीं उड़ते दिखते। तो यही असलियत है, असलियत है कि जो असली विकास का कार्य हुआ है कांग्रेस की सरकारों ने किया है। असलियत यह है कि कांग्रेस के नेता आपके प्रति समर्पित हैं। असलियत यह है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, 5 साल पहले इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, फिर क्या हुआ? हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ बन गए कि उन्होंने खुद तय कर लिया कि राफेल का जहाज एक ऐसे उद्योगपति द्वारा बनाया जाएगा
जिसने पहले अपनी जिंदगी में एक जहाज नहीं बनवाया था। 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उनको और देश भर में जाके कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे। भ्रष्ट कौन निकला बहनों और भाइयों? भ्रष्ट कौन निकला? देश के सबसे बड़े अभिनेता भ्रष्ट निकले। मैंने कानपुर में एक बड़ी होर्डिंग देखी। होर्डिंग पे लिखा था, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, भाजपा ने किया और ओआरओपी का उपहार। सोचिए, कह रहे हैं कि जो एक सर्विसमैन है उनको वह उपहार दे रहे हैं, ओआरओपी का उपहार दे रहे हैं, मतलब कि उन पर एहसान कर रहे हैं। यही मानसिकता है इनकी। इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं कि सोचते हैं कि एक सर्विसमैन को अपना अधिकार देके, अपना हक देके उपकार कर रहे हैं, उन पर एहसान कर रहे हैं। यही मानसिकता है। ये मानसिकता कहाँ से आती है? ये मानसिकता अहंकार से आती है और अहंकार इस बात से आती है कि आप पूरी तरह से जनता से आपका नाता टूट गया है। आप सोचते हैं कि सत्ता आपकी है। आप भूल गए हैं कि आपको बनाने वाले देश की जनता को आपने वचन दिया था कि आप इस देश की जनता के लिए काम करके दिखाएंगे। आपने बड़े बड़े वचन किए थे इस देश की जनता से कि आप 15 लाख रुपए हर जने के खाते में डालेंगे। कहाँ गए वो 15 लाख? कहाँ गए वो 2 करोड़ रोजगार? किसान की आमदनी दुगनी करने की बात की थी, कहाँ गई वो आमदनी? आज किसान त्रस्त है, परेशान है, आत्महत्या के कगार पे आ गया है। 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है और हमारे प्रधानमंत्री मौन है। SC ST एक्ट को हटाया गया, हमारे प्रधानमंत्री मौन रहे। देश भर से हजारों की तादाद में किसान उनके दरवाजे तक आए, पैदल आए, हर प्रदेश से आए, हमारे प्रधानमंत्री मौन रहे। इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं कि उनके पास इस देश के जवानों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए और इस देश के गरीबों के लिए 5 मिनट का समय नहीं है। अमरीका जाते हैं, किससे गले लगते हैं? वहाँ वहां के राष्ट्रपति से गले लगते हैं। जापान जाते हैं, ढोल बजा के वापिस आते हैं। पाकिस्तान जाते हैं, बिरयानी खाकर आते हैं। चीन जाते हैं, चीन के राष्ट्रपति से गले मिलते हैं। कब? डोकलाम के बाद। ऐसी हरकतें करते हैं, दुनिया भर घूम लेते हैं। जिस देश का नाम लीजिए वहां पे भ्रमण कर चुके हैं। एक देश नहीं छोड़ा। लेकिन जब मैं वाराणसी गई, उनके संसदीय क्षेत्र में गई, जब मैं वाराणसी गई और मैंने वाराणसी की जनता से पूछा कि आपके बीच आते हैं कि नहीं, तो मालूम है क्या जवाब मिला? कि नहीं दीदी, नहीं दीदी, हमारे गांव नहीं आते, हमारे बीच नहीं आते, बड़े बड़े भाषण देने आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग में आते हैं, प्रचार करने आते हैं, लेकिन अपने देशवासियों से गले लगने नहीं आते। अपने देशवासियों से एक बार नहीं पूछा कि आपकी हालात क्या है, आप किस तरह से जीवन बिता रहे हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। एक गरीब परिवार के पास नहीं गए हैं। अपने ही संसदीय क्षेत्र में 5 सालों का समय था, 5 मिनट का समय नहीं निकाला। यह है असलियत हमारे प्रधानमंत्री की और यह है असलियत भाजपा की अहंकारी सरकार की। यह सत्ता की मोह माया में है, सत्ता से घिरे हुए हैं। कुछ दिनों पहले मैंने अखबार खोला और
और मैंने देखा प्रधानमंत्री जी ने एक बच्चे को उठाया हुआ है और उनके गाल चूम रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा मैं सब जगह जाके कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी जनता के बीच नहीं जाते, देखिए आज किसी के बच्चे को उठा के उनका गाल चूम लिया, मैं बहुत खुश हुई। लेकिन फिर मैंने नीचे देखा क्या पढ़ा था, नीचे मैंने पढ़ा कि अमित शाह जी के पोते थे। मैंने कहा लो जी, यहाँ मैं खुश हो रही थी, मैं खुश हो रही थी कि देश के सबसे बड़े अभिनेता ने कुछ अच्छी चीज की, देश के जनता के बीच चले गए, किसी के बच्चे को उठा के प्यार से चूमा और वो भी निकले उन्हीं के राष्ट्राध्यक्ष के पोते। तो देखिए सीधी सी बात है, आपको सच्ची राजनीति चाहिए कि झूठी राजनीति, आपको नेता चाहिए या अभिनेता चाहिए, आप देश को आगे बताना चाहते हैं कि इन लोगों को के जरिए गुमराह करवाना चाहते हैं। जिम्मेदारी है, मैं हर जगह जाती हूँ यही कहती हूँ, आप जनता हो, हम इस ट्रक पे खड़े हैं, आपकी बदौलत खड़े हैं, जो भी हमको दिया आपने दिया, आपके बिना किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि किसी यहाँ पे किसी मंच पे खड़े होकर आपको भाषण दे। जो नेता भूल जाता है, शक्ति जनता की शक्ति है और कि वो शक्ति जनता के ही हाथों में रहनी चाहिए, उस नेता का कोई हक नहीं है सरकार चलाने का। आपकी शक्ति आपके हाथों में होनी चाहिए, किसी भी नेता के हाथों में नहीं, आपके हाथों में। आप अपना भविष्य तय करिए, अपनी शक्ति को अपने हाथों में लीजिए। आज ये वोट सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, आपका सबसे बड़ा हथियार है। बदलाव लाइए, एक सच्ची राजनीति लाइए अपने देश में, जिनके नेता दिल से आपको चाहते हैं, जिनके नेता आपका आदर करते हैं, जो आपके बीच आते सर झुका कराते हैं, सर झुका कराते हैं, अपनी 56 इंच की सीने को तान के नहीं आते। ऐसे नेता को चुनिए कि जब आप उनकी आलोचना करें, और मजबूत बनाना चाहता है। राहुल गांधी जी और उनके साथ जितने भी कांग्रेस के उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े हैं, आपकी शक्ति से डरते नहीं है, वो चाहते हैं कि आपकी शक्ति बढ़े। राहुल जी की तमाम आलोचना की उन्होंने पिछले 5 सालों में, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं कहा इनके बारे में, फिर भी राहुल जी का जवाब क्या है, संसद में उठ के उनसे गले लगाते हैं, फिर भी राहुल जी उनकी घृणा, उनके क्रोध का उत्तर प्रेम से देते हैं। आपको एक ऐसा नेता चाहिए जो एक प्रेम की दृष्टि से इस पूरे देश का विकास चाहता है, जो आपका आदर करता है, जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, अपने आप को आगे बढ़ाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को समझिए। पार्टियां आपके सामने आती हैं, चुनाव के समय नेता आते हैं, 2-4 लफ्ज बोलकर कभी कभी आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी पुरानी बातें उखाड़ते हैं, लेकिन असलियत यह है कि नेता आपके सामने आता है, उसको ये बताना चाहिए कि आपके लिए किया क्या और 5 सालों में आपके लिए करने क्या जा रहे हैं। अरे आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप नेता को जवाबदेह बनाए, जिम्मेदारी है कि
लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत बनाए रखें। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने देश को आप सशक्त बनाएं, और ये देश सशक्त तभी होगा जब सबका इकट्ठा विकास होगा। ये देश सशक्त तभी होगा जब आप सब अपना मन बनाएंगे कि आपको एक साफ सुथरी राजनीति चाहिए और अपने विकास की राजनीति चाहिए। कांग्रेस ने इस बार अपने घोषणा पत्र में एक साल के काम के बाद अपना घोषणा पत्र निकाला है। राहुल जी ने सब नेताओं को कहा, जनता के बीच जाओ, चर्चा करो, पता करो हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं। जनता की आवाज होनी चाहिए हमारे घोषणा पत्र में। इसीलिए हमारे घोषणा पत्र में ये लिखा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, ये 10,000 जीएसटी की अलग अलग टैक्स है, एकमात्र एक साधारण सिंपल टैक्स में होगा। अगर नौजवान अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो 3 सालों की कोई परमिशन परमिट की जरूरत नहीं होगी, सरकार उसका समर्थन करेगी। अगर उसके कारोबार द्वारा और रोजगार बने तो जितने रोजगार बनेंगे उतना टैक्स कम किया जाएगा। किसानों के लिए अलग बजट बनेगी ताकि किसान मजबूत बने। किसानों के लिए ये योजना बनाई है कि हर क्षेत्र में फूड पार्क होगा। ऑनलाइन जाएगी, घोषणा पत्र पढ़िए, ये देखिए कि कांग्रेस क्या कह रही है, कि भाजपा क्या कह रही है। इनकी बड़े बड़े बातों में मत पढ़िए, ये सब आपको गुमराह करने के लिए है। ये सब अभिनेता की बातें हैं, इनको ऑस्कर मिलना चाहिए, फिल्म फेयर दे देंगे हम इनको, आपके जो उम्मीदवार है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।